Okay, hi everyone, good morning. I believe we'll be starting with lecture number 5. अपना चार lectures हो चुका है, हम लोग ने last class notes भी लिखा था. मेरे तरफ से आपको backup provided है, in case you miss the same, आपका responsibility बनता है update करने का. I hope this is clear to everyone. We're starting with lecture number 5. Obviously, आपको पता है कि कितना connection है, as we go forward, the syllabus is interconnected. ठीक है? तो अभी क्या कर रहा है, पहला 10 मिनट्स रिवाइज कर रहा है. जब रिवाइज कर रहा है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक सो दैट आपको क्लास रिटेन रहे कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? आप लोग से वार्तालाप कर रहे हैं, नो डाउट. चलिए लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 5. पहला 5 मिनट्स रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर नंबर 5 के पॉइंट्स. ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा. चलिए ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, आता याद है आप लोग? ठीक है, आप लोग इसमें साथ साथ बोलेगा फिर. ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. रिसोर्सेस क्या है? अपने को स्केर्स रिसोर्सेस को इस तरीके से यूटिलाइज करना है दैट इट गिव्स अस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. उसके लिए इकोनॉमिक्स हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो बोलता है टोटल देयर आर टू थ्योरीज दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डज अ कंज्यूमर विल अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. तो दो अप्रोचेस का नाम है कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच. अब हम लोग ने बोला था, पहले हम लोग को एक वर्ड पढ़ने का है बिफोर वी स्टार्ट. यूटिलिटी, यूटिलिटी रेफर्स टू द वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी. यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस. अभी यूटिलिटी तो दारू सिगरेट पीने से भी अपने को आ रहा है, हाँ या ना? तो यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल, इट इज नॉट अबाउट सही गलत. और यूटिलिटी हर पर्सन के लिए अलग अलग होगा. ठीक है, अभी अपने को पढ़ने का है पहले कार्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच ये बोलता है जो यूटिलिटी है ना, दैट कैन बी क्वांटिफाइड, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. एंड व्हेनेवर यू मेजर समथिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यू नीड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. तो कुछ इकोनॉमिस्ट लोग ने एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट का नाम है यूटिल्स. तो आप ऐसा सोचिए, यूटिल्स एक इमेजिनरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जो ये मेजर करता है कि ह्यूमन को कितना सेटिस्फेक्शन आ रहा है. पर प्रॉब्लम क्या है, ये यूटिल्स हर जन के लिए अलग अलग हो. फेयर एनफ गाइस? अब अगर ये यूटिल्स हर जन के लिए अलग अलग होगा, एंड इट डजंट मेक सेंस बिकॉज एक कमोडिटी कितना यूटिल्स दे रहा है ये तो बोलना मुश्किल है. उसके लिए एक इकोनॉमिस्ट नाम मार्शल ने सजेस्ट किया, लेट अस मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. तो उसने बोला, लेट अस कीप 1 रुपी इक्वल टू 1 यूटिल. 1 रुपया इक्वल टू कितना यूटिल गाइस? तो अगर 1 रुपया से आपको 1 यूटिल जितना सेटिस्फेक्शन आ रहा है, तो अगर आपने कोई आइसक्रीम खाया उसके लिए आप उसके लिए 40 रुपया देने के लिए रेडी, 40 यूटिल्स, व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज द सेटिस्फेक्शन दैट यू डिराइव इन टर्म्स ऑफ मनी. सो दिस इज कॉल्ड एज यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. कुछ याद आया आप लोग को? सबसे इंपॉर्टेंट है यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी. अभी मेरा बात ध्यान से सुनना. मैंने टोटल 5 आइसक्रीम खाया, टोटल 5 आइसक्रीम से जो टोटल सेटिस्फैक्शन आया है उसे अपन बोलेंगे टोटल यूटिलिटी. क्या बोलेंगे अपन? और 5 आइसक्रीम के बाद मैं जो 6th आइसक्रीम खा रहा हूं, उस एडिशनल आइसक्रीम से जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन आएगा उसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. क्या आता, क्लियर है क्या? अगर आपको वर्ड्स नहीं आता, मैं आगे का सिलेबस नहीं पढ़ा पाऊंगा. तो मैं कुछ पूछता हूँ, एक और लेबर हायर करने से जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्शन. एक और यूनिट बनाने में जो एक्स्ट्रा दाम लगेगा, एक और यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से मैं जो कमाऊंगा, मार्जिनल रेवेन्यू. आई होप इट मेक सेंस टू एवरीवन. तो एक और एक्स्ट्रा यूनिट के खाने से कंज्यूमर जो सेटिस्फैक्शन डिराइव करेगा उसे बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. नॉट श्योर आपको याद है क्या? याद है आप लोग को? इतना फुल स्पीड में बोलने का सब लोग. आई हैव गिवन अ स्लो रिवीजन, अभी फास्ट. ह्यूमन वांट्स आर रिसोर्सेज, आर स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करने की ह्यूमन वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करे. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करने को ही अपन बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो इसके लिए देयर आर 2 अप्रोचेस.
अभी कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच में पहले पढ़ने से पहले अपने को एक वर्ड पढ़ने का, यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी हर आदमी के लिए अलग अलग होगा। सो यूटिलिटी इज सब्जेक्ट। अभी मेरे को दारू पी के भी सैटिस्फेक्शन आने का है, हाँ है ना, पर दारू अपने लिए अच्छा नहीं है, अपने को पता है। पर तो यूटिलिटी इज नॉट अबाउट सही गलत। यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल। समझ आ गया सबको? अभी कार्डिनल अप्रोच ये बोलता है आपका जो यूटिलिटी है दिस कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इट कैन बी क्वांटिफाइड, एंड एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड लाइक योर वेट, हाइट, डिस्टेंस, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड नीड्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यूटिलिटी को भी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे दिया गया विद द नेम ऑफ व्हाट, यूटिल्स। पर यूटिल्स क्या प्रॉब्लम क्या था कि इट्स गोना बी सब्जेक्टिव, इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। उसके लिए इकोनॉमिस्ट मार्शल ने सजेस्ट किया इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ utils, let us measure the utility in terms of money. जो ये बोलता है कि अगर एक रुपया से एक यूटिल वाला सेटिस्फेक्शन आ रहा है और अगर आप किसी कमोडिटी के लिए 40 रुपया देने के लिए रेडी हो तो आपको उस कमोडिटी से 40 यूटिल का सेटिस्फेक्शन आएगा, वॉट यू आर विलिंग टू पे। लग तो नहीं रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या तो क्लियर है क्या? The total satisfaction that you derive by consuming all the units of the commodity is called as total utility. Marginal utility is the additional utility that we derive by consuming one more unit. मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मेरे को ये सही चाहिए। तो कम से कम अपन ने बाकी लोगों से बेटर पढ़ाई की है। Marginal का मतलब इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में चेंज, मैथ्स में स्लोप। अभी कुछ पूछने का, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अभी स्लोप का मतलब होता है चेंज। चेंज इज व्हेन यू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी तुम इस स्ट्रेट लाइन में कहीं पे भी वो चेंज निकालेगा ना, वो क्या आएगा? कांस्टेंट, हमेशा। तो अगर टोटल यूटिलिटी एक स्ट्रेट लाइन होता तो मार्जिनल यूटिलिटी पता है क्या होता? कांस्टेंट, हर बार 5 5 5 5 5 5 5 ये होता अगर टोटल यूटिलिटी एक स्ट्रेट लाइन है। बस ये तो टोटल यूटिलिटी स्ट्रेट लाइन नहीं है। टोटल यूटिलिटी पता स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं, इसके पीछे एक लॉ है, परफेक्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बोलता है आपको भी आइसक्रीम खिलाना हम शुरू करेंगे कंटिन्यूअसली, नो गैप, द प्राइस ऑफ द आइसक्रीम इज गोना रिमेन द सेम। देखो मेरे को लगता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द प्राइस इज गोना रिमेन द सेम। अभी मेरा बात समझने की कोशिश करना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी तुम किसी दुकान के पास जाते हैं ना, तुम बोलता है भैया हमको ये पेन खरीदने का, ठीक है, वो बोलते हैं पेन का दाम 10 रुपया, कितना रुपया? अभी तुम बताओ दुकानदार को क्या बोलेगा, हम 100 पीस खरीदने वाले। तुम ऐसा क्यों बोल रहे है? ताकि वो पेन का दाम 10 रुपया से कम करे। हर आदमी ये करता है, समझा? तुमसे पहले एक का पूछा, तुम वो एक का 10 बोला, अभी तुम बोलेगा हम एक थोड़ी खरीदा, हम तो 100 खरीद रहे। तो तुम ये थॉट समझो ना, जब तुम पहला आइसक्रीम खाया यू आर विलिंग टू पे 40 रुपीज, पर जब तुम दूसरा खा रहे, तीसरा खा रहे, चौथा खा रहे, यू विल नॉट बी विलिंग टू पे 40 रुपीज, क्योंकि तुम कंटिन्यूअसली खा रहे, यू आर बाइंग मोर देन वन प्रोडक्ट। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, क्या यहां तक क्लियर है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, ये मैंने कॉपी में लिखवाया नहीं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, ये बोलता है कि एज यू कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, अब हर बार जो सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हो वो एक नया यूनिट से, वो पिछले वाले से कम होता है। गाइस मैं 4 क्लास से पढ़ा रहा हूं तो मैं स्लो नहीं कर सकता, क्या यहां तक आपको क्लियर है क्या? So the total satisfaction that we derive by consuming all the units of a commodity is called as total utility. Har bar main jab ek extra unit consume karunga, usse jo extra satisfaction aayega usse bolenge marginal utility. Marginal word ka matlab hai change in economics, slope in maths. Maine aap logo slope derive karke dikhaya tha ki ek straight line ka slope is always constant. Can someone give me the formula of a slope of a y2 minus y1 by x2 minus x1? Kya yahan tak clear hai kya? अभी मैं कुछ पूछता हूं, मैंने ये भी आपको समझाया था, ये एक लाइन है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये लाइन चेंज हुआ है क्या? नहीं। तो इसका स्लोप क्या होगा? जीरो। इसका स्लोप इज गोना बी जीरो, बिकॉज लाइन हिला ही नहीं अपने जगह से। तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एन एक्स एक्सिस और पैरेलल टू अ वाई एक्सिस, उसका स्लोप इज जीरो। एंड एनी लाइन विच इज अ स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप इज कॉन्स्टेंट। एंड एनी लाइन विच इज अ कर्व, any line which is a curve, uska slope is a calculus function, is a calculus function, jo apne ko zindagi mein bhi nahi karne ka hai. Kya yahan tak clear hai kya? To apne ko bhi dimag ke andar ek hi formula dalne ka hai,
फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, जिसको पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा y बाय डेल्टा x। अरे भाई लोग वो आया है अभी, कोई दीपिका नहीं आया अभी, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इतना देर से, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं है। ठीक है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, क्लियर है यहां तक? अभी आप बताओ मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा गिरेगा क्या होगा हमारे चैप्टर? पर रियल लाइफ में बढ़ के भी गिर सकता है अल्कोहल, रियल लाइफ में मार्जिनलिटी कभी गिर भी नहीं सकता है मनी, आया ना? लेकिन अभी अपना सिलेबस होता है तेल लेने का, एक्सेप्शन को रखो दूर, जिंदगी में हर चीज का एक्सेप्शन होता है, आया ना? श्योर? तो जिंदगी में अगर हर चीज का एक्सेप्शन होता है तो लॉ बोलता है, नहीं नहीं हम लोग का जो लॉ है वो यूनिवर्सल है, वो दो तीन चीजों को गोली मार, अगर आप ये दो तीन चीज को छोड़ के कोई भी चीज कंटिन्यूअसली कंज्यूम करोगे, आपका इनकम फिक्स है, आपका प्राइस फिक्स है, इन दैट केस योर यूटिलिटी विल नॉट इंक्रीज, इट विल डिमिनिश। और इसके पीछे जो लॉ है, लॉ का नाम है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है कि एज यू कीप ऑन कंटिन्यूअसली कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, आप जो सैटिस्फैक्शन हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से डिराइव करोगे वो बढ़ेगा नहीं, वो गिरेगा। अभी आपको समझ आया नहीं आया पता नहीं। अगर मैं यूनिट जीरो लिखूं, व्हाट विल बी माय टोटल यूटिलिटी? हमको सुनाई कम देते हैं, व्हाट विल बी माय मार्जिनल यूटिलिटी? अभी तुम कुछ कंज्यूम ही नहीं किया है तो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट सैटिस्फैक्शन गाइस, मेक सेंस? अभी मैं पहला आइसक्रीम खाया, यूनिट्स मतलब आइसक्रीम है इधर, मैंने पहला आइसक्रीम खाया तो पहले का आइसक्रीम से जो सैटिस्फैक्शन आया दैट इज टोटल यूटिलिटी इज 10, मार्जिनल भी कितना होगा, क्योंकि अभी जीरो से टेन हुआ तो मार्जिनल भी जीरो से क्या होगा। अब मैं सेकेंड आइसक्रीम खाया, अब मेरा पॉइंट ढंग से समझ लेना, ये जो एक और एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाने से जो एक्स्ट्रा सैटिस्फैक्शन आता है ना मेरा भाई, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। मैं इसे एट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये पहले वाले से कम होगा मेरा भाई, बिकॉज ऑफ अ लॉ। अब बोले गौतम हम आज एक आइसक्रीम खाए, आज से दस दिन बाद दूसरा वाला आइसक्रीम खाएगा तुमको तो मजा आएगा, लॉ ये नहीं बोल रहे ना, लॉ बोल रहे कि आप पहला आइसक्रीम के बाद दूसरा आइसक्रीम में गैप नहीं रखोगे, दे विल बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन, इज दिस क्लियर? तो दोनों आइसक्रीम मिला के कितना का सैटिस्फैक्शन होगा, आपने बताया कैसे निकाला है, 10+8, अब क्लियर नहीं है? थर्ड वाला से 6, आपका टोटल कितना हो गया, आप पता है कैसे निकाला, 10+8+6 तीनों का टोटल। चलो अभी हम ये लिख दिया, इसका मतलब है चार यूनिट खाने से टोटल सेटिस्फेक्शन 28 आया, तो फोर्थ वाला से कितना का मजा आया, आप पता है निकाल कैसे रहे, 28-24, मतलब मार्जिनल निकालने के लिए फोर्थ वाले यूनिट का आपने टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस द टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 किया। क्लियर नहीं है शायद? अभी मैंने फिफ्थ का टोटल लिखा 30, तो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द फिफ्थ आइसक्रीम विल बी 30-28। अब इसके बाद तो कोई आदमी खाएगा नहीं भाई, क्योंकि अब यूटिलिटी जीरो के बाद क्या हो गया, माइनस टू। अभी बता आप लोग क्या बोलेगा, एक आदमी को जीरो पे रुक जाना चाहिए, पर कोई भी रैशनल आदमी ना जीरो पे कभी नहीं रुकता, वो हमेशा एक और ट्राई करता है इस उम्मीद में कि शायद बढ़ जाए। अभी तुम यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, तुम अपने प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम धंधा करे जा रहे हो, तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ रहा था, फिर धीरे धीरे गिरने लग गया, अभी तुम्हारा प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया, तुम धंधा बंद नहीं करे, अभी तुम क्या बोलेगा पता है, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस, एक कोशिश और, बस उसी एक कोशिश में तुम सब कुछ खो देते। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट कोई दिक्कत? अभी समझ आया नहीं आया बोलने का, आर यू गाइस श्योर? तो पता है टोटल यूटिलिटी हम लोग ने कैसे निकाला, मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन, टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट इट इज द समेशन ऑफ मार्जिन। And if someone tell me marginal utility कैसे निकाला, तो मैं लिखूंगा MUN, N का मतलब है जिस यूनिट का आप निकाल रहे हो, तो अगर मैं MU 4 निकाल रहा हूं तो it will be TUN minus TUN minus 1, अभी मैंने 28 minus 24 किया था, तो marginal utility 4 वाला का निकालने के लिए आपने क्या किया,
TU4 minus 1 अरे 28 minus 24 ही तो किया ना गाइस, पर इसका एक और फॉर्मूला है। अब उन लोग ही समझेगा जिन्होंने मेरा स्लोप वाला फॉर्मूला समझा था, याद है आपको? तो mu n इज इक्वल टू डेल्टा TU। अब डेल्टा TU कैसे आया? Y2 minus Y1 विच इज डेल्टा Y। ये डेल्टा Y इज व्हाट? डेल्टा TU। Q इज द चेंज इन यूनिट्स। तो टोटल यूटिलिटी का चेंज डिवाइडेड बाय द चेंज इन यूनिट्स। अभी तुम कोई भी यूनिट सिलेक्ट कर लो, तो मैं हमको मार्जिनल यूटिलिटी 6 का निकालना है। किसका मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है? 6 का। तो देखो यहां फॉर्मूला डालो, mu6 इज इक्वल टू TU6 माइनस TU5। डू यू एग्री? अभी 6 का TU कितना है? 30। 5 का भी कितना है? 30। क्या हो गया? 0। वैसे अगर ये वाला फॉर्मूला डालो, mu6 विल बी TU6 माइनस TU5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5। I hope this is clear to everyone, guys. वापस बोलने का समझ में आ गया? यहां तक ना मैंने कॉपी में लिखवा भी दिया था, आपको ऑलरेडी पढ़ा भी दिया था। आपको अगर क्लियर है तो आप बता दीजिएगा। यहां तक हो चुके हम लोग, टेबल हमने नहीं बनाया मेरे हिसाब से। देखो टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन लिखवा दिया मैंने, मार्जिनल का लिखवा दिया, मार्जिनल का फॉर्मूलास भी लिखवा दिया। अभी कुछ पूछता है आप आंसर करने का। हम मैंने MPN लिखा है, एमपी का फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब ये इस चैप्टर का नहीं है, कौन सा चैप्टर का है? प्रोडक्शन का। कैन एनीवन गिव मी द फॉर्मूला फॉर दिस गाइस? TPN माइनस TPN माइनस 1। नाउ व्हाट इज TP? टोटल प्रोडक्ट, जो गुड्स एंड सर्विसेज बना है। लेट्स सी, MCN is equal to TCN minus TCN minus 1. What will be MRN? TC का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट, TR का फुल फॉर्म है टोटल रेवेन्यू, TP का टोटल प्रोडक्ट। हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट रेवेन्यू। और आप पता क्या बोलोगे? इस टोटल का स्लोप क्या है? स्लोप को हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? चेंज। हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से या एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से या एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से जो आता है सैटिस्फैक्शन कॉस्ट रेवेन्यू, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। इट्स अ जनरल वर्ड। क्या यहां तक आपको क्लियर है क्या? डेल्टा वाला फॉर्मूला समझे तो आपको स्लोप नहीं आया? इसका मतलब वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, दिस इज द स्लोप ऑफ व्हाट गाइस? ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना है, स्लोप का मतलब होता है चेंज, एंड चेंज कैन नेवर बी एट वन पॉइंट, इट ऑलवेज हैज टू बी एट टू पॉइंट्स। तो मार्किंग द टू पॉइंट्स ए बी। ये वाई एक्सिस है, इसको वाई वन, ये एक्स एक्सिस है एक्स वन, वाई टू एक्स टू। अभी इसका अगर स्लोप निकालना है तो मैं क्या करूंगा? वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, which will be delta y by delta x. Delta y का मतलब है change. Delta का मतलब क्या है? Change. तो इसी से मैंने formula लिखा, delta TU by delta Q. So let us imagine this y axis is nothing but TU. This is what? Quantity. So x के axis में quantity है, y के axis में total utility है. I hope everyone has drawn a graph. There has to be plotting, right? तो x axis में quantity है, y axis में total utility है. उसके लिए formula बन गया delta TU by delta Q. मैंने आधा घंटा लेके समझाया, अभी डाउट था उसके लिए मैंने जल्दी बोला। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ लीजिए। तो उसके लिए मार्जिनल का कितना फॉर्मूला है गाइस हम लोग का जिंदगी में? दो। हम लोग रिप्लाई नहीं पढ़ा नहीं पाएगा। कितना फॉर्मूला है? दो। पहला फॉर्मूला क्या अगर आप बता सकते हैं तो? अभी बोलने का ना भाई लोग, क्लियर है क्या? दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा टीयू बाय डेल्टा क्यू। दोनों में से आप कोई भी यूज करो चलेगा, ठीक है? आप दोनों में से एक फॉर्मूला कब यूज करने का, दूसरा कब यूज करने का, वो मैं समझाएगा बाद में जब सम करवाएगा। क्या यहां तक क्लियर है क्या आपको? अभी आप बोलेगा नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या यहां तक आपको क्लियर है? आपका नोट्स अपडेटेड होना चाहिए, मेरा नोट्स इंपॉर्टेंट है कॉपी के अंदर। मैंने लास्ट पॉइंट लिखवाया मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन। कौन सा पॉइंट नंबर है ये मेरे को नहीं पता, अगर कोई बता सकता।
मैंने हेडिंग लिखवा के छोड़ा ना, पॉइंट नंबर कौन सा गाइस, 12 का। कुछ पूछता है अगर आप लोग ये बोल सकते हो तो ब्रिलियंट। दो बार पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, तीसरा बार पढ़ा रहे। मार्जिनल बढ़ रहा है, वह तो मैं बेकार बात कर रहा हूं, एक सेकंड, हम बोल रहे हैं मार्जिनल बढ़ रहा है, हम बेकार बात कर रहे हैं। फॉर विच चैप्टर, यूटिलिटी। पर किसी और चैप्टर में मार्जिनल बढ़ सकता है, हाँ, मतलब गौतम में आप ये बोल रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ नहीं सकता, नहीं बढ़ सकता है, बिकॉज एक लॉ है। लॉ का नाम क्या है, जो क्लियर क्लियर भाषा में बोलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होगा। क्लियर हो गया तो बता दीजिएगा। अभी बोले आगे, लॉ का नाम मतलब हम लोग के चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी एक ही चीज करेगा, गिरेगा। लेकिन अभी मैं मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्जिनल। क्या बोला मैंने, तो अभी मैं बोल रहा हूँ मार्जिनल बढ़ रहा, टोटल बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, फैल के। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, मार्जिनल गिर रहा है, टोटल बढ़ेगा शर्मा के, मतलब वो घूंघट बनाएगा। याद आया कुछ, मार्जिनल जीरो हो गया है, टोटल विल बी मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट। वेर एवर अ ग्राफ इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, इट विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। एंड द लास्ट थिंग इज मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव, टोटल फॉल्स, टोटल फॉल्स। तो टोटल एक ही बार गिरता है जब मार्जिनल बिकम्स नेगेटिव। अभी आप समझो, मैंने बोला रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड क्या, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ सकता है क्या? अभी आप सोच के बोलो, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ सकता है क्या? मार्जिनलिटी खाली गिरेगा बिकॉज ऑफ अ लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। तो अपना रिलेशनशिप में बताया कितना पॉइंट्स हो गया, तीन। पहला पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा तो टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, शर्मा, शर्माना मतलब घूंघट बनना। फिर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा, टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम, देन मार्जिनल विल बिकम नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी विल फॉल। अभी मार्जिनल स्लोप है, किसका स्लोप है, टोटल। तो टोटल तो वही करेगा जो मार्जिनल उससे करवाएगा। अभी आपको समझ आया नहीं आया बोलने, तो हम लोग का हेडिंग डाला हुआ रिलेशनशिप बिटवीन क्या गाइस, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी लिखने का, पॉइंट नंबर वन रिलेशनशिप के अंदर। देखो मैंने हेडिंग डाला है स्केड्यूल, SCHEDUL, स्केड्यूल का मतलब होता है टेब्यूलर प्रेजेंटेशन। क्या बोला मैंने, टेब्यूलर प्रेजेंटेशन, मतलब अभी TUMU का जो मैं टोटल का टेबल बनाऊंगा ना, अभी जो टेबल बना रहे थे उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, स्केड्यूल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो स्केड्यूल इज नथिंग बट इट इज अ टेब्यूलर प्रेजेंटेशन। अब रेडी हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, यूनिट्स TUMU। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, MU 20 है तो टोटल यूटिलिटी भी कितना होगा, 20। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि मार्जिनल याद रखो, टोटल आप याद नहीं रख सकते, तो इट्स ऑलवेज इजियर टू लर्न मार्जिनल। गाइस एक सेकंड रुकना ना प्लीज, आई एम सॉरी। दिस इज अ स्केड्यूल, इट्स अ टेब्यूलर प्रेजेंटेशन शोइंग द डेटा ऑफ TU एंड MU। और रिमेंबर दैट, देख लो MU बढ़ नहीं रहा, MU क्या कर रहा है गाइस, अगर आप लोग बता सकते हैं तो बता सकते हैं MU क्यों गिर रहा है। थैंक यू। अभी जो मैं पूछ रहा हूं ना, ये सुनने के लिए आपने 4 घंटा मेरा क्लासेस किया,
और जिन्होंने 4 घंटा का एक एक वर्ड सुना ना, खाली उन लोग आंसर कर सकता है. कैन एनीवन हियर टेल मी व्हाट इज द पॉइंट एट विच आई एम एट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. यूनिट पूछ रहा हूं मैं, कौन से यूनिट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. डू यू एग्री टेल यर 5 में मेरा टोटल यूटिलिटी 50 है, अब कोई बोलेगा 4 में भी, पर 4 का तो आपने एक और कंज्यूम किया ना, वहां पे वो 0 बना. एक्चुअली कौन से यूनिट पे आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में, उसके बाद गिरा है. तो जहां पे आप गिरोगे दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. आपको सुनाई नहीं दिया मेरे हिसाब से, एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं है. मेरे 5th यूनिट पे आई एम एट मैक्सिमम. फेयर इनफ गाइस, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, एम आई एट इक्विलिब्रियम. सोचो, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्स, वी यूज द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट वी वांट टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. उसके लिए हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ थिंक, 5 यूनिट्स खाया मैंने, मेरा टोटल यूटिलिटी 50 है विच इज मैक्सिमम. एम आई एट इक्विलिब्रियम एज अ कंज्यूमर, मैं पूछ रहा हूं. क्यों अभी तो तुम लोग बोल रहे हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ईट द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट यू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. तो मेरा क्वेश्चन ये कि इफ आई एम एट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, एम आई एट इक्विलिब्रियम और नॉट. तो व्हेन आर यू एट इक्विलिब्रियम, एग्जैक्टली अमाउंट व्हिच आई एम विलिंग टू पे इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट दे आर आस्किंग अस टू पे. That is the point of equilibrium. This is not equilibrium, bro. यहाँ पे तो अभी तक ये बात ही नहीं हुआ है कि उन लोग हम लोग से कितना रुपया मांग रहे हैं. आपको पता है आप कितना रुपया देने के लिए रेडी है, दैट इज MU. आप कितना रुपया देने के लिए रेडी है, दैट इज MU. अभी आप पहला यूनिट के लिए कितना रुपया देने के लिए रेडी है, 20. That is why your satisfaction is 20. That is called as MU in terms of money, assuming that your 1 rupee is equal to 1 utils. अभी आप बताओ पहला स्ट्रीम के लिए आप कितना रुपया देने के लिए रेडी, अगर वो भी 20 मांग रहा है यू विल बी एट इक्विलिब्रियम. अगर वो 20 से कम मांग रहे हैं ना, तुम बोलेगा और खिलाओ. अभी वो सेकेंड दिया, अभी तुम समझो तुम एक ही आइसक्रीम बार बार खरीद रहे, तो ऑब्वियसली वोंट बी विलिंग टू पे द सेम अमाउंट, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट बड्स खराब हो चुका है उस चीज के लिए. अब समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं. अभी तुम इमेजिन करो, हम तुमको बोलते हैं आज तुम मूवी देखने जाओ, एक ही मूवी सुबह से देखना शुरू करो और रात तक लास्ट शो तक देखो, सेम मूवी सेम डे विदाउट अ ब्रेक. द मूवी इज ओवर, मूवी हॉल नहीं छोड़ने का, वहीं बैठा रहो, वापस से देखो. अभी तुम सोचो जो मजा तुमको पहली बार मूवी देख के आया होगा, क्या तुमको सेकंड बार आएगा क्या? ऑब्वियसली तुमको सब कुछ पता है उस मूवी में क्या हो रहा है. तीसरा बार तो तुम डायलॉग बोल रहा होगा खड़ा होके, अभी हाँ या ना. अभी तुम बता मन में क्या बोलेगा, हम पहली बार मूवी देखने जा रहे हैं, हमसे 300 रुपया मांग रहे, समझ आ रहा है. अभी हम वापस देख रहे हैं, हमसे फिर से 300 मांग रहे हैं ना, मेरा मन नहीं करेगा उसको वापस 300 देने का. तुम समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं. आर यू गाइस श्योर? ये तो नाउ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, बिकॉज़ देयर इज नो गैप. आई एम नॉट श्योर आप क्लियर है या नहीं है. इसके पीछे एक लॉ है भाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्क. अभी तुम बता मेरे से झगड़ा क्या करेगा, हम तो कंटिन्यूअसली नहीं कर. अरे तो मेरा बोलने में थोड़ी तुम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, बेचारा जिसने लॉ लिखा है वो बोल रहे हैं, उसका अजम्पशन है. आई होप दिस इज क्लियर. अभी आगे बोले अपन, तो तुम बताओ तुम पहला आइसक्रीम देने खाने के लिए कितना रुपया देने के लिए रेडी. हमको सुनाई नहीं दिया. अभी ये जो इधर बजा हुआ बंदा ये आइसक्रीम बेच रहा है, ठीक है, मैं आइसक्रीम खाने गया हूँ, मैं पहले आइसक्रीम देने, हम लोग सब आइसक्रीम खाने गए, ये आइसक्रीम बेचने वाला भैया, ठीक है, आप आइसक्रीम वाला भैया पहले आइसक्रीम का दाम बताइए. ये बोला 10 रुपया. कितना रुपया? अभी तुम कितना देने के लिए रेडी है? 20. तो व्हाट यू आर विलिंग टू पे इज ग्रेटर देन व्हाट इज आस्किंग. तो तुम बता घूम के क्या बोलेगा, आइसक्रीम वाला भैया चोमू, क्योंकि तुम 20 देने के लिए रेडी हो, कितना मांग रहे 10, तो तुम खाएगा. अभी तुम ह्यूमन बीइंग है, तुम ग्रीडी है, तुम क्यों रुकेगा, यू विल आस्क फॉर द सेकंड आइसक्रीम. अब समझाने में क्या बोल रहा है. अभी वो सेकंड आइसक्रीम के लिए भी कितना बोल रहा है, 10. अभी समझ आया? नहीं समझा अभी भी. तो तुम अभी देने के लिए बताया कितना रेडी है, 16. खत्म. अभी तुम 20 देने के, तो 20 देने का आइसक्रीम खाली है, और तुम सेकंड वाले के लिए 20 देने के लिए रेडी नहीं है, तुमसे कम देने के लिए रेडी है. ये तो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. अब समझा नहीं हम क्या बोल. अभी तो मूवी वाला एग्जांपल दिया, आप पहली बार कोई मूवी देखने जा रहा है, 300 रुपए दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है,
तुम सेकंड टाइम वापस बैक टू बैक दे रहे, तुम्हारे दिल से 300 रुपया नहीं निकलेगा, तुम बोलेगा ऐसे नीचे वाला सीट में बैठ जाते, जबरदस्ती कर दिया गौतम भैया तो बंदूक लेके खड़ा है, देखना तो पड़ेगा ही, पर हम 300 रुपया देने के लिए रेडी, नीचे वाला रूम में बैठेगा। फिर लास्ट शो तक तुम क्या करेगा, तुम बोलेगा हमको सीट ही नहीं चाहिए, हम फुटपाथ में स्टेयर्स में बैठ जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या तुम कंटिन्यूअसली मूवी देख रहे हो, तुमको तो पैसा खान देने का मन खत्म हो चुका है भाई, समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम पहली बार इसे चॉकलेट आइसक्रीम लिया है विद चॉकलेट सॉस, आई ईट द सेकंड आइसक्रीम सेम क्वांटिटी विद चॉकलेट सॉस, तो अभी हम 20 रुपया देने के लिए रेडी नहीं। अगर आप इस बात से क्लियर नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते गाइस। तुम सेकंड आइसक्रीम के लिए कितना रुपया देने के लिए रेडी है, दिस इज व्हाट आई एम विलिंग टू पे। पर मेरा दुकानदार वाला भैया कितना मांग रहा है, हम वापस हटके बताए क्या बोलेगा, चोमू है, समझा नहीं हम क्या बोल रहे हैं। तीसरा आइसक्रीम मांगा, अब पता है हम कितना देने के लिए रेडी है, दुकानदार वाला भैया भी कितना मांग रहा है। दिस इज द पॉइंट वेयर आई शुड बी परफेक्ट, ये भी खुश हम भी खुश, क्योंकि ये 10 मांग रहा है और हमको देना भी कितना है 10। अभी तुम सोचो चौथा आइसक्रीम खाएगा, तुम कितना देने के लिए रेडी है, पर दुकानदार भैया कितना मांग रहे हैं 10, यू वोंट बी रेडी टू बाय इट। तुम अभी कोई बाजार में गया, याद करो मेरा एग्जांपल, तुम बाजार में गया, तुम एक शर्ट देखा, तुमको लगा इसमें तुम सुपर सेक्सी लगेगा, लड़की फंसेगा फाइनली, अभी तुमने उसका प्राइस टैग नहीं देखा, तुम अभी दिल में क्या इमेजिन किया कि हम इसके लिए 2000 रुपया देने के लिए रेडी है, अभी उसका प्राइस निकला 2500 रुपया, तुम खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। उसका प्राइस 2000 से कम हुआ ना, तुम्हारा ह्यूमन टेंडेंसी पता है क्या होगा, एक और खरीद लेता अभी सस्ता में, डिस्काउंट। व्हेन डू यू टेंड टू बाय मोर, व्हेन द प्रोडक्ट इज एट डिस्काउंट, सोच के देखो। वो तुमको लालच दे देगा ना, 6000 का खरीद लो 1000 का फ्री, तुम खरीद के छोड़ेगा 6000 का, अगर 5000 का बिल बन गया ना, तुमने 1000 के तो बिल बनाना, 1000 रुपए फ्री के लिए करो। हर बनिया बुद्धि ये करके आता, हर बनिया आदमी ये करके आता, तुम समझा नहीं हम क्या बोल रहे। अभी तुमको पता है क्या हो, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, सला बिला का एक लड़का था 11 का, उनसे पूछा, अभी देखो तुम वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उससे पूछ रहे, मैं स्टूडेंट एक ट्यूशन से 11 इको और नॉट, अभी तुम बोलो हम क्या बोले, बताओ लेना चाहिए, हम तो बेचने वाले है। अभी तुम दुकानदार में जाके बोल रहे हैं जो कपड़ा बेचता है, भैया कपड़ा खरीदे या नहीं खरीदे, अरे खरीद ज्यादा खरीद, हाँ है ना। अभी वो हमको क्या बोला, हम बोला तुम्हारा मर्जी देख लो, देखो गौतम भैया अभी क्या है, कॉम्बो लेने से अपना इको का पड़ेगा 7000 रुपया, तो नॉट अ बैड डील, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी वो क्या लगा रहा, बनिया बुद्धि, और हम लोग भी तो उसको बनिया बुद्धि लगाने के लिए फोर्स किया है, दैट्स व्हाई पुट अ कॉम्बो, कि तुम दो ले रहे, तुम तीसरा ले लेना, 7000 ही तो देना है, तुम समझा नहीं हम क्या बोल रहे। वो भी तो वही कैलकुलेशन किया है जो कैलकुलेशन हम बैक एंड में किया है, आप भी यही करते हैं। अभी डिस्काउंट पे है ना, तुमको पता है तुम 5000 का शॉपिंग करेगा 1000 रुपये का फ्री शॉपिंग मिलेगा, ठीक है ना, तुम 3500 का शॉपिंग किया ना, तुम 1500 और करके आएगा 1000 के लिए, ये सब करता है बिकॉज द प्रोडक्ट इज एट डिस्काउंट। अभी ये 10 रुपये में आइसक्रीम बेच रहे हैं, हम 20 रुपया देने के लिए रेडी, हम क्यों रुकेंगे, हम तो ज्यादा आइसक्रीम खाएगा, हम तो 3-4 लोग को बोलेगा खाओ। अभी दुकानदार पता है क्या समझने लग गया कि भाई इतना लोग आइसक्रीम खा रहे हैं क्योंकि हम 10 रुपये हमें बेच रहे हैं, तो लेट अस इंक्रीज द प्राइस। अगर आपको मेरा बेसिक क्लासेस याद है आपको समझ आएगा हम क्या बोल रहे हैं। What I'm trying to convey to you is, at 5 units of ice cream, you are deriving the maximum, but you are not at equilibrium. आप equilibrium में है या नहीं है, ये तब पता चलेगा जब मेरे को उस ice cream का दाम पता चलेगा। अभी तक मेरे को ice cream का दाम ही नहीं पता है, अभी तक खाली तुम्हारा बात कर रहे हैं जो ice cream खा रहे, अभी दुकानदार भैया का बात ही नहीं हुआ है। I hope you are able to understand, because in economics there are two parties, consumer, producer. अभी तक आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, consumer। कुछ पूछते आंसर करना ना, कंज्यूमर 4 आइसक्रीम खा रहा है, व्हाट इज द प्राइस यू विल बी विलिंग टू पे, सुना नहीं दिया, 4 रुपया, अज्यूमिंग 1 रुपी इज इक्वल टू 1 यूटेंस, आई होप इट मेक सेंस। 5th आइसक्रीम के लिए बताया कंज्यूमर कितना रुपया देना चाहते हैं, 0, बोलते फ्री में दे, बाय 4 गेट 1, हाँ है ना। अभी वो रुकेगा थोड़ी, अभी बाय 4 गेट 1 हो गया ना, और खरीदने का बोलेगा नहीं नहीं बाय 4 गेट 2 का, तुम समझा हम क्या बोल रहे हैं, पर वो दुकानदार फ्री में थोड़ी देते रहेगा तुमको सामान। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ ध्यान से सुन, एट 0.5 यूनिट्स यू आर डिराइविंग मैक्सिमम, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हेन डज अ कंज्यूमर अचीव इक्विलिब्रियम, वी नीड टू नो what you are willing to pay and what the price is actually there in the market. That is the point of equilibrium. Mere liye equilibrium is not maximum satisfaction. Mere liye equilibrium is ki jahan pe aap bolte ho ye perfect position hai.
इससे ना ही ज्यादा ना इससे कम। अभी देखो भाई, एज अ टीचर हम क्या चाहेगा, तुम घर में 12-13 घंटा पढ़ाई करे, ये मेरा मन का इच्छा है। अभी दुकानदार जो सामान बेच रहे वो चाहेगा जितना लूट सके लूटो। अभी तुम एज अ स्टूडेंट क्या चाहेगा, टीचर जितना हो सके उतना कम पढ़ने के लिए बोले, या घर वाला जितना हो सके उतना कम पढ़ने के लिए बोले। अभी तुम बताए क्या चाहेगा मन में, कि घर वाला बोले 0 घंटा पढ़ाई करो। अभी ये होने का है क्या? Exactly, 5 यूनिट्स में योर प्राइस इज गोना बी 0, क्या ये होने का है क्या? तो बेकार का बात ही मत करो, थोड़ा रैशनल बात कर। अभी तुम घर वाला के साथ एक फेयर डील करना चाहे, घर वाला लोग बोल रहे 8-9 घंटा है, टीचर बोल रहा 8-9 घंटा, तुम बोल रहे गौतम भैया देखो, घर वाला को बोल रहे माँ बाप देखो मेरा जात नहीं है, अब समझिए। हाँ ना, तो लेट्स कम टू अ रैशनल कंक्लूजन। अभी आप मेरे से पूछेगा तो हम 1 घंटा पढ़ के खुश है, आप बोल रहे 9 घंटा, तो ना ही आप खुश है ना ही हम खुश है। लेट्स एग्री टू अ कंक्लूजन। तो हफ्ता का 12 घंटा, हफ्ता का कितना घंटा, संडे ऑफ, बाकी 6 दिन 2-2 घंटा, फेयर डील। नहीं समझा हम क्या बोला? तो आप इसमें आप भी खुश रहो हम भी खुश रहे, जब दोनों खुश है ना, यू आर एट व्हाट, इक्विलिब्रियम, यू डोंट वांट टू चेंज योर पोजीशन। तुमको पता है तुम्हारा जात 12 घंटा, 12 से 12:30 हुआ तुम बेहोश, तुमको किधर रुक जाना चाहिए, 12। यू डोंट वांट टू चेंज दैट पोजीशन। नॉट श्योर आपको समझ आया नहीं है, आर यू गाइस क्लियर? श्योर? तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेटाइटी, अगर कोई बता सकते हैं तो गाइस, एट विच यूनिट्स गाइस, विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम दैट इज नॉट इक्वल टू इक्विलिब्रियम, जो हमारा चैप्टर है। फेयर इनफ, कोई डाउट कोई दिक्कत बोलने का ना भाई लोग, क्लियर है एकदम? आपको टेबल बनाने का कॉपी में बना लीजिए, बना लिया गया आप लोग, हम आप लोग से पूछा है कुछ, बना लिया गया आप लोग? अब देख लेना पहले y एक्सिस, x एक्सिस, क्या लिखा मैंने y एक्सिस में, टोटल यूटिलिटी। जब मैंने स्लोप समझाया था ना तभी भी मैंने यही बोला था कि y एक्सिस में क्या है मेरा, टोटल यूटिलिटी, और x एक्सिस में बताया मेरा क्या है, यूनिट्स, जो मैंने आइसक्रीम खाया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको आपको याद है तो ब्रिलियंट, मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है गिर रहा है? आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई गाइस, अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है टोटल यूटिलिटी क्या करेगा, पता है कैसे बढ़ेगा? शर्मा, ये लो शर्मा के घूंघट बनाया, देन टोटल यूटिलिटी विल बिकम यू नो व्हाट, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, ये हो गया मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, इसके बाद टोटल यूटिलिटी विल फॉलो। ये किसका डायग्राम है, टोटल यूटिलिटी, क्या यहां तक क्लियर है क्या? ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना पड़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस में मैं क्या बनाऊंगा अगर आप बता सकते हो तो, रिप्लाई नहीं किया आप लोगों ने, और यहां पे मैं क्या बनाऊंगा, यूनिट्स, थोड़ा सा भी एडजस्ट कर देता है वेम बोर्ड पे बनाया तो, मिला देता है ठीक है ना। तो जहां टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है उधर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0। बाद में मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, नेगेटिव, तो मेरा टोटल यूटिलिटी क्या की है, फॉल। और शुरू में मार्जिनल यूटिलिटी गिर रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, शर्मा गुंगट, क्या यहां तक क्लियर है क्या? ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अपन क्या पॉइंट बोलेंगे, भी रिप्लाई तुम लोग करता नहीं है, पॉइंट ऑफ सेटाइट। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, बना लीजिए। ऊपर में आप लोग ने स्केड्यूल लिखा था सर, टेबुलर प्रेजेंटेशन, अभी आप लोग क्या बना रहे हो, डायग्राम। इसका डायग्राम बनाया आपने टीयू एंड एमयू, इससे क्वेश्चन आए बिना इको का पेपर कंप्लीट नहीं हो सकता, तो ये तो क्वेश्चन आना ही आना है। पहले आप टीयू वाला डायग्राम बना लीजिए, प्लीज फ्री हैंड बना लो यार, स्केल पेंसिल अभी डेकोरेशन मत करो ना, फ्री हैंड लाइन खींचना तो आता होगा थोड़ा बहुत, तो फटाफट बना, आधा लोग डेकोरेशन में टाइम वेस्ट कर देते पढ़ने के सिवा। अबे घूंघट बना के फिलहाल नीचे गिरा देना, समझ आया?
और जहां पे मैक्सिमम वहां पे एमयू जीरो कर देना, बस इतना दिमाग में रख लेना एग्जाम में। और जहां पे टी यू जीरो उधर एमयू, टी यू मैक्सिमम वहां पे एमयू जीरो होगा, ये मिला लेना भाई, और पॉइंट ऑफ सेट आईडी मार्क कर लेना। सेकंड कर दिया, बोल रहे कि एमयू गिर रहा है, उसके लिए टोटलिटी बढ़ रहा है शर्मा आगे, फिर एमयू जब जीरो है वहीं पे टीयू मैक्सिमम है, फिर एमयू क्या बन गया नेगेटिव, टीयू क्या हो गया फॉल्स, और अभी एमयू गिर क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ अ लॉ, लॉ का नाम क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अभी चैप्टर का फ्लो आपको समझ में आना चाहिए कि हम नेक्स्ट चीज हम लोग क्या पढ़ने वाले, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अबे हो गया तो बोलो ना, अभी क्या रिसर्च करने का, डायग्राम बनाने हो गया है सबका, अभी नीचे लिखना डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। लिखने गए हम इनिशियली, इनिशियली इनिशियली कॉमा एमयू डिक्रीजेस, इनिशियली एमयू डिक्रीजेस, तो शुरू में एमयू क्या कर रहा है मेरा भाई, डिक्रीज, ठीक है, इनिशियली एमयू डिक्रीजेस बट रिमेन्स, initially mu decreases but remains positive, initially mu decreases but remains positive, initially mu decreases but remains positive till 4 units, initially mu decreases but remains positive till
फोर यूनिट्स, क्या यहां तक समझ आया क्या बोला मैंने? एमयू गिर रहा है बट इट रिमेन्स व्हाट, टिल व्हाट यूनिट गाइस? फोर यूनिट्स, ठीक है. डैश टीयू विल इंक्रीज. हाँ ब्रो, डैश देख के उसके तो सेम लाइन ही बोलेंगे ना. डैश टीयू विल इंक्रीज. अभी तुम बोलने का अगर एमयू गिरे तो टीयू क्या करेगा भाई? टीयू बढ़ेगा गिरेगा? टीयू विल इंक्रीज. कैसे बढ़ता है टीयू? उसको इंग्लिश में लिखवाते हैं, टीयू विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट. तो शर्मा के बढ़ने को बोलता है डिमिनिशिंग रेट पे. रेट मतलब मार्जिनल, क्योंकि मार्जिनल गिर रहा है तो टीयू बढ़ तो रहा है पर कैसे बढ़ रहा है? शर्मा के टीयू विल इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट. अभी क्लियर है यहां तक? सेकेंड पॉइंट, mu becomes, अब mu गिरते गिरते क्या बन गया आपको पता होना चाहिए. mu becomes zero, mu becomes zero when the fifth unit is consumed. mu becomes zero when the fifth unit is consumed. mu becomes zero when the fifth unit is consumed. जब आपने पांचवा यूनिट खाया तो mu क्या बन गया? जीरो. डैश TU is maximum. TU is maximum and constant. TU is maximum and constant. Full stop. This is known as the point of. This is known as the point of satiety. This is known as the point of satiety. कोई doubt, कोई दिक्कत? Last point. When the consumption is increased, when the consumption is increased, when the consumption is increased beyond the point of satiety, when the consumption is increased beyond the point of satiety, when the consumption is increased beyond the point of satiety के बाद भी अगर आपने consumption किया है, comma, mu becomes, चलो बोलने का है ना सब लोग, mu becomes what? And TU starts, हाँ बोलो, mu becomes negative and TU starts falling. MU becomes negative and the TU starts falling. Guys, this is the complete relationship between TU and MU. समझ में आया तो हाँ बोलने का एक बार. आया गया? अभी लिखने का यहाँ पे self note. Self note. अभी आप बताओ एमयू बढ़ रहा है या गिर रहा है? अभी तुम लोग कैसा नशा में आया गया सुबह पहले? बोलो ना, एमयू बढ़ रहा है गिर रहा है? एमयू कंटिन्यूअसली गिर रहा है. और उसके पीछे एक लॉ है, तो सेल्फ नोट में लिख रहे हैं, एमयू कंटिन्यूज टू डिमिनिश एंड इट डज नॉट इंक्रीजेस. MU continues to diminish and it does not increases. Dash. Why it does not increase? Dash. Why it does not increase? अभी आपके मन में एक डाउट है कि MU बढ़ क्यों नहीं रहा है भाई, MU खाली गिर ही क्यों रहा है? अब इसका आंसर करेगा मेरे को. हाँ बोलो ना भाई लोग. तो लिखने का है, because of law of DMU. What is the DMU का full form? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इस लॉ के कारण मेरा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ता नहीं है, मार्जिनल खाली क्या करता है? गिरता है. एमयू कंटिन्यूज टू डिमिनिश एंड इट डज नॉट इंक्रीजेस. व्हाई इट डज नॉट इंक्रीजेस? बिकॉज ऑफ अ लॉ. एंड व्हाट इज द लॉ, नेम ऑफ द लॉ गाइस? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग. अभी कौन सा पॉइंट होगा नेक्स्ट गाइस?
पॉइंट नंबर 13 हेडिंग डाल के छोड़ देना अपना कॉपी के अंदर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैंने पहला तीन क्लास समझाया था और फोर्थ और फिफ्थ क्लास उसको रिवाइज करके उसका नोट्स लिखवाया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हमने हेडिंग डाला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, ये आप लोग सबको पता है। एज यू कीप ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, जो आप सेटिस्फैक्शन हर एक यूनिट से डिराइव करोगे वो बढ़ेगा नहीं, वो सेटिस्फैक्शन गाइस रिस्पॉन्ड करेगा तो पढ़ाई होगा। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डीएमयू, सब मिलके बोलते हैं क्या है लॉ ऑफ डीएमयू। आप जैसे जैसे एक यूनिट कंटिन्यूअसली आप जो सेटिस्फैक्शन उससे डिराइव करोगे वो बढ़ेगा नहीं, वो सिंपल सरल भाषा में। क्या यहां तक क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए लिखने का कॉपी के अंदर। अरे हम कब बोला लिखना बंद कर, लॉ ऑफ डीएमयू लिखने का है अभी अपने को। लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स दैट law of DMU states that as we consume more and more units, law of DMU states that as we consume more and more units of a commodity, law of DMU states that as we consume more and more units of a commodity, law of DMU states that as we consume more and more units of a commodity, law of DMU states that as we consume more and more units of the commodity, comma, the utility from each successive unit, law of DMU states that as we consume more and more units of a commodity, the utility from each successive unit goes on decreasing. Law क्या बोलता है, आपको समझ में आया है? क्या बोल रहा है law? बोलो तो एक बार फटाफट से। अभी देख इंग्लिश में नहीं बोलने का। जैसे जैसे आप एक कमोडिटी को कंटिन्यूअसली खाते जाएगा उससे जो सेटिस्फैक्शन आएगा हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से वो बढ़ेगा नहीं, वो दैट इज व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी गिरता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ता है शर्मा के। फिर मार्जिनल गिरते गिरते क्या बन जाता है? जीरो। टोटल इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी फॉल्स। द पॉइंट ऑफ सेटाइटी इज वेर योर टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। Is this clear to everyone? So law bolta, as we consume more and more units of the commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. The doubt, koi confusion? Sabko samajh mein aa gaya? Yaad reh jayega yahan tak? Sure hai? Kal milte hain 9 baje subah. Thank you so much.